क्या आपको स्टार्स अनकाउंटेबल और मनी काउंटेबल लगते हैं? तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश की काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउंस की। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि जिस चीज को हम संख्या में गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है और बाकी की अनकाउंटेबल नाउंस कहलाती है, जिनको हम मात्रा में नापते हैं या तोलते हैं। लेकिन अभी मैं आपको ऐसी दो ट्रिक्स बताने जा रहा हूं जिससे आप एक सेकंड में पता लगा सकते हैं कि कोई सा वर्ड काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल। फ्रेंड्स, पहली ट्रिक यह है कि आप किसी भी वर्ड का प्लूरल फॉर्म बना के देख लीजिए। अगर कोई वर्ड सिंगुलर फॉर्म में भी है और प्लूरल फॉर्म में भी है, मतलब वो काउंटेबल नाउन है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे बॉय का बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है, कंप्यूटर का कंप्यूटर्स होता है, तो ये सारे कहलाएंगे काउंटेबल नाउन्स। अगर किसी वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है तो वो कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वाटर का वाटर्स नहीं होता है, टी का टीज नहीं करते हैं हम, ऑयल का ऑयल्स नहीं होता है, तो ये कहलाएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक ये है कि आप किसी भी वर्ड के सामने एक डिजिट पुट करके देख लीजिए, 5 या 10। चलिए हम 10 पुट करके देखते हैं। जैसे 10 वाटर्स नहीं होता है, 10 ऑयल्स नहीं होता है, 10 टीज नहीं होता है, ये सारे कहलाएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। अब बात करते हैं उन दोनों वर्ड्स की जिसको लेकर के आप कंफ्यूज्ड थे। फर्स्ट वर्ड है स्टार। अब आप सोचेंगे कि सर, स्टार को तो हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे स्टार्स है। तो आपको यूनिवर्स के पूरे स्टार्स काउंट करने का कौन बोल रहा है? अगर मैंने आपसे पूछा कि आपको आसमान में कितने तारे पसंद आ रहे हैं, तो आपने देखा कि 3 तारे ज्यादा चमक रहे हैं, आपको 3 तारे ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो आपने मुझे काउंट करके बता दिया कि सर, आई लाइक 3 स्टार्स, तो ये काउंटेबल नाउन ही तो हुए। ट्रिक यूज करके देखते हैं। स्टार का प्लूरल फॉर्म स्टार्स होता है और 10 स्टार्स भी बोलने में अजीब नहीं लग रहा है, 10 स्टार्स भी होता है, तो यह भी कहलाएगा काउंटेबल नाउन। और मुझे पता है कि तारे अनगिनत होते हैं, हम यूनिवर्स के सारे स्टार्स को नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी यह काउंटेबल नाउन्स ही कहलाएगा। अब मैं बात करूं अगर चेयर की, तो आप बोलेंगे सर, चेयर तो काउंटेबल नाउन है, तो आप मुझे बताइए वर्ल्ड में कितनी चेयर है, टेबल कितनी है? आप नहीं गिन पाएंगे। इसका मतलब क्या वो भी अनकाउंटेबल है? नहीं, वो भी काउंटेबल है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मनी की। मनी के साथ भी दोनों ट्रिक्स फॉलो करके देखते हैं। मनी का प्लूरल फॉर्म मनीज नहीं होता है और ना ही 10 मनीज हो सकता है। आप अपने फ्रेंड को ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे 10 मनीज दे दो, मेरे पास 500 मनीज है। हाँ, अगर आप कॉइन की बात करें या नोट की बात करें तो उनको गिना जा सकता है। आप बोल सकते हैं मेरे पास 10 कॉइन्स है, मेरे पास 10 नोट्स है, तो कॉइन और नोट कहलाएंगे काउंटेबल नाउन्स। मनी मीन्स तो होता है धन, आप इसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर किसी करेंसी का नाम ले दिया, जैसे रुपीज, डॉलर्स, ये कहा, तो फिर ये काउंटेबल होगा। जैसे मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज, तो रुपीज को मैं काउंट कर सकता हूँ लेकिन मनी को नहीं। डॉलर्स को मैं काउंट कर सकता हूँ, कुड यू प्लीज लैंड मी 50 डॉलर्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए होंगे। कॉफी, मिल्क, ये आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है, लेकिन कभी कभी आपको इनकी क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी होती है, तो आप मेजरमेंट के लिए कुछ वर्ड्स इनके साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे अ कप ऑफ कॉफी, अ बॉटल ऑफ मिल्क। फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों कैटेगरी में रख सकते हैं, डिपेंड करता है उसके यूज पे। वैसे हेयर अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है, क्योंकि इसे गिना नहीं जाता है। आपने ये सेंटेंस सुना होगा, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल काले हैं, तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हम इसके साथ इज यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम हेयर को गिन ही नहीं सकते। जैसे आपकी सब्जी में 2 बाल आ गए, तो आप बोलेंगे याक, आई फाउंड 2 हेयर्स इन द वेजिटेबल। फ्रेंड्स, तो ये थे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो के लिंक को कम से कम किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।